आपकी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन, आज महामहिम हरिद्वार के शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह सुबह सीएम ने जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान के निर्देश। रुड़की में पूर्व सीएम हरीश रावत ने पीरान कलिया शरीफ दरगाह में लगाई हाजिरी। साबिर पाक दरगाह में पूर्व सीएम रावत ने की चादर पोशी। प्रदेश में अमन चैन के लिए मांगी दुआएं। कुशीनगर में आज सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। नव विवाहित वर वधु को देंगे आशीर्वाद। आज परिणय सूत्र में बंधेंगे 2503 नए जोड़े। चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर धामी सरकार जल्द ले सकती है बड़ा फैसला। चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को लेकर गठित हाई पावर कमेटी ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट। ऋषिकेश में 7 पुलिसकर्मी मिले कोरोना पॉजिटिव। परमार्थ निकेतन में ड्यूटी पर तैनात थे पुलिसकर्मी। राष्ट्रपति के दौरे के चलते तैनात किए गए थे पुलिसकर्मी। दिल्ली एनसीआर प्रदूषण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछले हफ्ते कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में हर मौसम में होने वाले प्रदूषण पर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। लखनऊ में प्रदूषण बढ़ने से लोगों को सांस लेने में हो रही है तकलीफ। तालकटोरा की हवा सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंची। बस्ती में भाजपा किसान मोर्चा ने ट्रैक्टर रैली के जरिए दिखाई ताकत। कृषि कानून की वापसी के बाद किसानों को साधने की हो रही है कोशिश। और आजमगढ़ में मेहनगर पल्हना मार्ग पर 2 मंजिला मकान धराशायी। प्रशासन ने पहले ही खाली करा लिया था मकान, कोई हताहत नहीं।